Allah 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 अहो अ अल्लाह वरम् वाजरा क़ुरान कलास नंबर आठ में मैं आप सब को अलम व सलम मरहबा कहता हूँ नाजेन इक्राम सऊती तरीके तदरीस में सबसे पहले हमने होठों से अदा होने वाले चार हरफ पढ़े म ब व, फ। उसके बाद ज़ुबान की नोक से अदा होने वाले बारह हरूफ के चार ग्रुप्स में से पहले ग्रुप के तीन हरफ जो ज़ुबान की नोक ऊपर वाले दांतों के साथ जो अदा होते हैं फ और वे उसमें फ दोनों बारीक थे और व मोटा था आज हम पढ़ रहे हैं जुबान की नोक से अदा होने वाले दूसरे ग्रुप के सबसे पहले हरफ ताको इससे पहले जो अरफ हम पढ़ चुके हैं इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं मसलन फ़ सन रन इसकी आपने अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लेनी है अब चलते हैं आज के हरफ की तरफ आज का जो हमारा हरूफ तहजी में से हरफ है वो है ता ये ता है ये बारीक हरूफ में से है याद रखें उर्दू या पंजाबी की तरह ये ते नहीं है बल्कि ये ता है लेकिन इसको खींच कर या लंबा करके ता नहीं पढ़ेंगे जैसे क़ुरान में है नस्ताइन बाज़ लोग इसको पढ़ते हैं नस्ता इन नहीं है बल्कि नस्ताइन तो ये हरफ ता है आइए चलते हैं इसके मखरज की तरफ इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि जुबान की नोक से अदा होने वाले हरूफ का जो पहला ग्रुप है उसमें हमने जुबान की नोक ऊपर वाले दांतों के सिरे से लगाई थी यहां आप देख रहे हैं कि जुबान की नोक ऊपर वाले दांतों के दांतों की जड़ों में लग रही है यानी जहां से दांत शुरू होता है और पीछे वाला गोश्त खत्म होता है वहां से जुबान की नोक दांतों की जड़ों में लगाएंगे तो ये अर्फ अदा होगा त क्या अदा होगा ता, जी ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है ता शुरू में दरमियान में और आखिर में कैसे आता है तो आपने याद रखना है जब भी त अदा करें तो जुबान की नोक दांतों की ऊपर वाले दांतों की जड़ों में लगनी चाहिए जी आगे चलते हैं जरा इसको प्रैक्टिस करते हैं जबर जेर और पेश के साथ जबर के साथ इसकी मिसाल होगी त जैसे ले ले तो याद रखें इससे पहले मैं बता चुका हूं कि बारीक और मोटे हरूफ को अदा करते वक्त हम बारीक हरूफ में अपने होंठों को खोलेंगे और मोटे हरूफ को अदा करते वक्त हमारे होंठ गोल हो जाएंगे तो ये चूंकि बारीक है इसलिए यहां पर होंठ खुलते हुए इसको अदा करेंगे ता, ती तू दोबारा पड़े जरा ती आगे चलते हैं दो जबर के साथ इसकी आवाज बहुत आसान है तन तीन तुन दो जबर के साथ तन दो जेर के साथ तीन दो पेश के साथ तुन, तो बहुत आसानी से अदा होता है आगे चलते हैं जरा जजम के साथ जज ता पर जजम और उससे पहले जबर हो तो उसकी आवाज होगी ऐत जेर के साथ इसकी आवाज ईत और पेश के साथ उसकी आवाज ऊत जैसे कुरान में है सबित सबित याद रखें ये स नहीं है सबित सब नहीं है बल्कि तीन नुकतों के साथ सबित सबित तो सामने पढ़ लिया है बा पढ़ लिया दोनों का लिहाज रखते हुए हमने इसको अदा करना है दोबारा इसकी प्रैक्टिस करें एत इत उत आगे चलते हैं जरा ता के ऊपर शद आए तो ता को रिपीट करके पढ़ा जाता है जैसे अत जैसे अत्ता, ये नीचे कुरान करीम से मिसाल दी गई है जैसे मुत्त मुत्त तो यहां पर ता इस्तेमाल होगा इस तरह ता पर और उसके नीचे उससे पहले जेर हो तो उसको पढ़ेंगे इति और पेश की मिसाल होगी उत्तु दोबारा इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं अत्ता, इत्ती उत्तु तो आपने अच्छी तरह इन तमाम हरूफ की प्रैक्टिस करनी है जितनी आपकी प्रैक्टिस बेहतर होगी इतना ही आपका कुरान करी बेहतर होता चला जाएगा नाजरीन आगे चलते हैं आज की हदीस नबी की तरफ आज की हदीस बहुत ही बाकमाल और शानदार है इन शह आप इसे पढ़ेंगे तो आपके दिलों के अंदर उतर जाएगी नबी सल वसलम का फरमान है तुम में से कोई शख्स उस वक़्त तक ममिन नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसे अपने वालदेन अपनी औलाद और तमाम दुनिया से ज्यादा महबूब ना हो जाऊं यानी दुनियावारों से ज्यादा महबूब ना हो जाऊं दोबारा इसको पढ़े जरा तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसे अपने वालदेन अपनी औलाद और तमाम दुनिया से ज्यादा महबूब ना हो जाऊं नाजरीन कराम इस फरमान मुबारक से हमने क्या सीखा थोड़ा सा गौर करें मोहब्बत एक फित्री तकाजा है और हर इंसान के अंदर अल्लाह ताला की तरफ से वदियत किया गया है दुनिया में हम देखते हैं कि अगर किसी इंसान को दूसरे से मोहब्बत हो जाए और जब जिन्स मुखालिफ हो, तो दोनों एक दूसरे के लिए क्या कुछ नहीं करते ना दिन देखते हैं और ना रात बल्कि वक्त का किस्सा ही तमाम हो जाता है फिर बातों से आगे बढ़कर मुलाकातें और फिर मुलाकातों में लुत्फ सरूर आने लगता है और जी चाहता है कि वसल के ये लम्हात कभी खत्म ना हो आइए एक लम्हे के लिए यहां रुक कर जरा सोचते हैं कि क्या ऐसी मोहब्बत कभी आपको अल्लाह ताला से भी हुई है क्या हमें ऐसी मोहब्बत कभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी हुई है कभी ऐसा हुआ हो कि हम अल्लाह और उसके रसूल सल्लम के साथ मोहब्बत और उल्फत में इतने आगे निकल जाए कि दिन और रात का फर्क ही खत्म हो जाए अल्लाह से बातों और अल्लाह से मुलाकातों में ऐसा लुत्फ आने लगे सजदे से सर उठाने को जी ही ना चाहे कभी तो ऐसा भी होना चाहिए ना कि हर काम से पहले महबूब की सुन्नत की तरफ ध्यान जाए और आज से ही अजम कर लें कि कोई काम खिलाफ सुन्नत जिंदगी भर ना हो आइए आज से अहद करें कि दुनिया की तमाम आर्जी और खत्म होने वाली मोहब्बतों से बालाता होकर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसी सच्ची और सुच्ची मोहब्बत करें कि दुनिया के हर काम करने से पहले महबूब की सुन्नत देखें और नमाज और कुरान पढ़ते हुए ऐसे समझ कर पढ़ें कि हमें लुत्फ वरूर आने लगे और यकीन यही वो नमाजें होंगी जो हमें दुनिया के साथ साथ आखरत में भी काम आएंगी आइए दुआ याद करते हैं आज की दुआ कुरान करीम में सूरत कशस की आयत नंबर चौबीस है दोबारा दोहराइएगा इन्नी लिमा मिन मेरे रब बेश मेरी तरफ जो भी खैर नाजिल करे मैं उसका मोहताज हूं तो कोशिश करें इस दुआ को याद करें और रोजाना सुबह शाम कसरत के साथ इस दुआ को पढ़ा करें इन शजक की तंगी इस दुआ के पढ़ने से दूर हो जाती है कल सुबह इनशा इसी सिलसिले की अगली क्लास होगी जरूर देखें आगे भी सैन करें शाम चार बजे फेहम कुरान क्लास देखना मत भूलें तब तक के लिए इजाज़त मजलिस की दुआ पढ़ लेते हैं सुब्छान वरम व